नमस्कार, न्यूज नगरी में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं नवोदय विद्यालय सिरमौर। नवोदय विद्यालय, हम आपको सबसे पहले बता दें, नवोदय विद्यालय ये एक नवोदय विद्यालय समिति के नाम से जो है एक संस्था है, भारत सरकार की है। ये सबसे बड़ी संस्था है, शिक्षण संस्थान में सबसे बड़ी संस्था है। और इसमें अब एडमिशन शुरू हो चुके हैं। क्लास 6वीं में एडमिशन की शुरुआत होती है, 12th तक यहाँ पे पढ़ाई होती है। ये ज्यादातर आपको बता दें ग्रामीण एरिया के बच्चे आते हैं। और आज हमारे साथ हैं नवोदय विद्यालय सिरमौर से प्राचार्य हैं, और हम प्राचार्य सर से ही जानेंगे कि यहाँ पे बच्चों को क्या सुविधाएं दी जाती है, क्या प्रोसेस है एडमिशन का। ये सारी चीजें हम सर से जानना चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो धन्यवाद। सर, आप बताइए कि क्या प्रोसेस है और इसके जो फायदे हैं वो सारा हम आपसे जो है जानना चाहेंगे कि बच्चे किस प्रोसेस के थ्रू आते हैं यहाँ पे, क्या क्या उनको वरीयता मिलती है, क्या सुविधाएं रहती हैं, क्या एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं, उनको क्या करना पड़ता है। आपको धन्यवाद और नव वर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी सर। जैसे कि आपने सवाल किया, मैं थोड़ा सा नवोदय विद्यालय समिति जो हमारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है उसके कुछ मूलभूत पहलुओं के बारे में बताना चाहूँगा कि 1986 की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुरूप पूरे देश में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए थे और आज की तिथि में लगभग 649 649 नवोदय विद्यालय पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। और हर वर्ष की तरह नवोदय विद्यालय में प्रतिवर्ष एक सिलेक्शन टेस्ट होता है जिसका नाम होता है JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। और ये सिलेक्शन टेस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हम कहें कि किसी भी छात्र के लिए जो कक्षा 5वीं में अध्ययनरत है उसके लिए परीक्षण होता है, जिसके बाद वो छात्र या छात्रा उस परीक्षा को पास कर नवोदय विद्यालय में अपना चयन करा सकते हैं और प्रवेश पा सकते हैं। इस सत्र में भी 2000 जो अगले आने वाला है 23-24 के लिए भी अभी थोड़ा सा लेट हो गया है और आज ही एडमिशन पोर्टल खुला है। और आज बहुत अच्छी बात है कि आज ही आप हमारे विद्यालय में आपका स्वागत हुआ है, आपका आगमन हुआ है और आज ही हमारा एडमिशन पोर्टल खुला है। तो मैं कुछ उसके बारे में बताना चाहूँगा कि एडमिशन पोर्टल अभी सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले ये था कि एडमिशन फॉर्म भरे जाते थे जो विद्यालय के द्वारा ही बांटे जाते थे, उनको भर करके विद्यालय में ही लिया जाता था और यहाँ से सारे प्रवेश पत्र जारी करके एक दिल्ली उसकी जानकारी भेजी जाती थी। लेकिन अब चूंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब समिति ने एडमिशन पोर्टल को ऑनलाइन कर दिया है और कोई भी छात्र जो कक्षा 5वीं में अध्ययनरत है वो कहीं से भी ऑनलाइन फॉर्म को भर सकता है जो बिल्कुल निःशुल्क है। इसके लिए क्या कोई कुछ जो है ये कुछ नियम है कि जी कौन फॉर्म भर सकता जी है, कोई बाउंडेशन वगैरह कुछ? जी बिल्कुल। तो पहला तो बताया मैंने कि निःशुल्क है, कक्षा 5वीं में अध्ययनरत छात्र या छात्रा ही भर सकते हैं। इसमें जो दो बातें हैं जो अभी आज ही की मीटिंग में, चूंकि आज ही कमिश्नर साहब ने मीटिंग ली है, तो एक तो परिवर्तन ये किया है कि इसमें जो गैप था आपका एज लिमिट का, उसको फिर से पुनर्निरीक्षण करके बताया गया है, पुनरावलोकन करके, कि अब उसमें 1/5/2011 से 30/4/2013 के मध्य जन्मतिथि वाले 5वीं कक्षा के छात्र छात्रा ही उसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये इसकी एज लिमिट है, यानी 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013। चूंकि अभी 4 बजे ही मीटिंग खत्म हुई है तो ये बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी अपने पास आई है। दूसरा इसमें यह है कि फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गया है, आज 2 जनवरी है तो आज से ही हम मान के चलें कि भरा जाएगा और अंतिम तिथि इसकी 31 जनवरी, 31 जनवरी 2023 तक फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल खुला रहेगा भरने के लिए। और परीक्षा की तिथि है 29 अप्रैल 2023, तो 29 अप्रैल 2023 को परीक्षा शुरू कंडक्ट की जाएगी। साथ में एक और बात है कि पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे थे कि कई तरह के कोर्ट केसेस भी हो रहे थे, तो एक नया नियम अभी इस वर्ष से लागू हुआ है कि आधार कार्ड का नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, पहले ये नहीं था। और साथ में एक अनिवार्यता ये है कि जो छात्र या छात्रा जो साथ में कैंडिडेट रहेगा उसको उसी जिले का निवासी होना भी जरूरी है जिस जिले में वो 5वीं पढ़ रहा है, उसी जिले का मूल निवासी अनिवार्य तौर से उसमें शामिल किया जाएगा। साथ में बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगाना अनिवार्य है,
पहले ही अनिवार्य नहीं थे। तो सर पहले जैसे होता था कि किसी अन्य जिले का है, बिल्कुल, और जिस जिले में वो पढ़ रहा है उसी जिले में उसका एडमिशन होता था जी, तो क्या अब ऐसा नहीं रहेगा? अब ऐसा है कि बच्चा पांचवी में जिस जिले में पढ़ रहा है उसी जिले का रहने वाला भी होना चाहिए, अन्यथा उसका एडमिशन नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, माता पिता यदि दूसरे जिले में रह रहे हैं, बच्चा कहीं और रह रहा है, तो ऐसी स्थिति बाकी विवाद का विषय बन सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल नया नियम है। अब उसी जिले का निवासी भी, अगर हम कहते कोई अगर शासकीय नौकरी भी अगर कर रहा है किसी अन्य जिले में, अगर कर रहा है वो अपने बच्चों को अपने पास में रखा हुआ है और है किसी और जिले का निवासी, तो क्या वो नहीं पढ़ पाएगा? ऐसी कंडीशंस के लिए तो बिल्कुल नियम है, क्योंकि आप शासकीय यदि कर्मचारी किसी जिले में है तो उस जिले के निवासी बनना या टेम्परेरी निवासी बनना या आपकी जो सर्टिफिकेट बनता है, आपका जॉब सर्टिफिकेट बनता है, वो काम में आ जाएगा। यहाँ तक कि किरायानामा भी काम में आ जाएगा। यदि आप कहीं किराए से रह रहे हैं, किसी के यहाँ रह रहे हैं, मकान मालिक स्टैंप पेपर लिख करके दे रहा है कि हमारे इतने समय से रह रहे हैं, या एक टेम्परेरी रेजिडेंस भी बनता है, तो टेम्परेरी रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी काम में जाएगा। कुल मिलाकर मतलब यह है कि निवास का प्रमाण पत्र जो है सेम जिले का होना, उस जिले का होना चाहिए, या उस जिले की किसी संस्था में नौकरी कर रहे हैं तो उस जिले की संस्था से जारी किया गया पत्र होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कि माता पिता कहीं और हैं, बच्चा उस जिले में है लेकिन वहाँ कोई संबंध नहीं उसका, किसी और के साथ रह के पढ़ रहा है जो कि सर्टिफिकेट देने में अक्षम है, तो ऐसे बच्चों के लिए समस्या आ सकती है। तो जैसा कि सर ने बताया, ये बहुत बड़ी बात है ये कि कहीं अगर किसी और जिले में अगर आप रह रहे हैं, वहां पे आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं और निवासी कहीं और के हैं किसी जिले के, तो वहां पे जो है आपको थोड़ा सा वरीयता जो है ये नहीं मिल पाएगी। पहले ये नियम था कि वो किसी और जिले में भी एडमिशन ले पाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए फॉर्म भरने के पहले ये चीजें आप सबसे पहले चेक कर लें। बिल्कुल, साथ में जो पहले वाली बातें वो तो रहेंगी कि कक्षा तीसरी चौथी पांचवी नियमित हो, बीच में कहीं गैप ना हो। क्या होता है कई बच्चों ने तीसरी चौथी की बीच में गैप ले लिया, ड्रॉप ले लिया, या कोई और कारण वो दे नहीं पा रहे हैं, कहाँ थे क्या थे, परीक्षा नहीं दी, कई बच्चों का भी होता है कि एक साल परीक्षा नहीं दी फिर एक साल बाद दी परीक्षा, तो ऐसे सेम स्कूल में होना चाहिए और ड्रॉप नहीं होना। नहीं, सेम स्कूल नहीं है, स्कूल बदल सकता है, जिला भी बदल सकता है, ड्रॉप नहीं होना, ड्रॉप नहीं होना चाहिए, और रिपीटर भी नहीं होना चाहिए कि पांचवी रिपीट कर ली, अगले साल फिर पांचवी बैठे और फिर वहां से दे दी। कहने का मतलब है कि पांचवी उसी सत्र में हो जिसने तीसरी चौथी उसके पहले के सत्रों में की, और छठवीं का बच्चा ना हो। तो ये एक तरह से जीवन में एक ही बार मौका मिलता है, और बच्चा तैयारी से आकर के परीक्षा देगा, रेगुलर देगा, लगातार पढ़ने वाला देगा, और फिर बाकी रूल्स तो वही हैं, आरक्षण के नियम भी जो समिति के हैं, जो गवर्नमेंट के हैं, वो चलेंगे। साथ में अर्बन और ग्रामीण, रूरल अर्बन, इसका भी रूल वही रहेगा जो अभी तक चल रहा है। इनका क्या डिफरेंसेस क्या होता है सर? इसका डिफरेंस ये है कि जो विद्यालय शहरी क्षेत्र में है उस विद्यालय का छात्र छात्र शहरी माना जाएगा, और जो विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है वो भले ही इंटरनेशनल स्कूल जिस एरिया में वो पढ़ाई कर रहा है जी, विद्यालय को लेना, विद्यालय जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो स्कूल यदि ग्रामीण क्षेत्र में है तो बच्चा ग्रामीण माना जाएगा, और वो स्कूल शहरी क्षेत्र में है भले ही वो बड़ा ही पब्लिक स्कूल क्यों ना हो, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र में यदि है वो ग्रामीण माना जाएगा। तो ये रहता है, और उस आधार पे हमारे आपकी 75% सीटें ग्रामीण रहती हैं, 25% शहरी रहती हैं, एक तिहाई लड़कियाँ रहेंगी। तो इस तरह से सारी चीज़ें, और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन बढ़ाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत काबिल बच्चे, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे जानकारी के अभाव में, या पांचवी का बच्चा तो बड़ा छोटा होता है, उसको 10-11 साल की उम्र में बहुत जागरूकता नहीं होती है, तो माता पिता और शिक्षकों का मुझे लगता है दायित्व है कि नवोदय की परीक्षा एक बार हर बच्चे को दिलाना ही चाहिए। नवोदय की परीक्षा एक तो ऐसी परीक्षा है जो पहली प्रतियोगी परीक्षा किसी बच्चे के लिए, क्योंकि आपको जीवन में बहुत प्रतियोगिताएं करनी है, तो पहली परीक्षा हर छात्र छात्रा को, मैं तो मानता हूँ चाहे वो प्राइवेट का हो या गवर्नमेंट का हो, फ्री है, निःशुल्क है, सेंटर आपके पूरे जिले में बनेंगे, आने जाने की ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती है, परीक्षा का दिन एक दिन रहता है, निश्चित रहता है, तो एक दिन जाकर के माता पिता बच्चे को परीक्षा दिला सकते हैं। और मैं तो निवेदन करूंगा सभी अभिभावकों से कि यदि आपका बच्चा पांचवी में पढ़ रहा है, छात्र या छात्रा कोई भी है, उस निःशुल्क परीक्षा फॉर्म को जरूर भरवाएं, और जीवन के इस अनुभव को जरूर बच्चे को दें, क्योंकि पहली प्रतियोगिता परीक्षा है, बच्चा जाकर के बैठेगा, देखेगा, सिलेक्शन हो ना हो अलग बात है, लेकिन एक ऐसा अनुभव है जो उसको जीवन में बाद में भी काम आएगा। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, आपने सुना कि सर ने
सारी जानकारी दे दी है एडमिशन से रिलेटेड जो भी है, तो एक बार मैं भी आपको बता देना चाह रहा हूँ कि आज से ही स्टार्ट है, आप आज से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और ये 31 जनवरी 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे और इसका जो डेट ऑफ एग्जाम है वो 29/4/2023 है, 29/4/2023 को आपका एग्जाम होगा। तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरना चाहते हैं, जो भी का इस लायक हैं, वो एंट्रेंस दे सकते हैं नवोदय विद्यालय में, एक उनको मौका मिल सकता है पढ़ने के लिए और ये पूरी तरह से निःशुल्क है, 8वीं क्लास तक निःशुल्क रहता है। बाकी जो जिसका आरक्षण होता है, जो क्राइटेरिया होता है, वो सारी सुविधाएं उस हिसाब से मिलती हैं जो जिसको लागू है। तो आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल पे भी आप विजिट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट है www.newsnagari.com, आप इस पे भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये हमारा फ़ोन नंबर भी है, उस पे आप हमारे टीम से जो है बात कर सकते हैं, कुछ भी आपको डाउट हो सीधा आप जो है फ़ोन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।